डॉक्टर आर आर सुआरस के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा लाखों लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप भी विजय जीवन का आनंद उठा सकते हैं, आज ही इन पुस्तकों के सेट का ऑर्डर कीजिए। हमारा पता है ग्रेस ऑफ गॉड, पोस्ट बॉक्स नंबर 2089, हेड पोस्ट ऑफिस कैंटनमेंट, वाराणसी 221002। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें 9389898900 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें faithshowindia@yahoo.com पर। फेथ शो के सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्कार। हम आशा करते हैं कि फेथ शो कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर के आ रहा है। प्रतिदिन हम हमारे ऑफिस में बहुत से फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं, जहां पर लोग हमें बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने चिन्ह, चमत्कार और चंगाई अपने जीवन में प्राप्त की है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यदि आप आज किसी प्रकार की समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो आप अपने फ़ोन को उठाएँ और हमारे ऑफिस में कॉल करें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको विजयी बनाएंगे। हमारे साथ प्रभु को खोजिए और परमेश्वर आपके जीवन को जबरदस्त रीति से आशीषित करेंगे और आपका जीवन पहले के समान नहीं रह जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फेथ शो देखते रहिए, प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। फेथ शो सभाए दिनांक 26 अगस्त 2016, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 27 अगस्त 2016, महिलाओं के लिए विशेष सभा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सामान्य सभा शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 28 अगस्त 2016, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। स्थान पहली मंजिल 1/3 तिलक नगर, उमंग पैराडाइज के पास, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के निकट, इंदौर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पास्टर विलियम मैनुअल, मोबाइल क्रमांक 9833352245। दिनांक 28 अगस्त 2016, शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक। स्थान ECI चर्च, रसूलिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इन सभाओं में भाग लीजिए और प्रभु का आशीष पाइए। आइए प्रभु यीशु के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो कार्य परमेश्वर कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका संदेश सच है, प्रभु परमेश्वर बहुत से चमत्कार कर रहा है, एक के बाद एक दूसरा। इस हफ्ते जब मैं ऑफिस पहुंचा, एक लड़की मेरे पास आकर कहने लगे, डॉक्टर सोरेस, यह एक स्त्री है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और उसे एंडोमेट्रियोसिस हुआ था और यह बहुत ही गंभीर बात थी और वो आई बहुत परेशान लग रही थी। मैंने मध्यस्थी और उसके लिए प्रार्थना की और कल जब मैं ऑफिस गया, उस लड़की ने कहा, उस स्त्री ने मुझे आपको धन्यवाद देने को कहा क्योंकि उसके सारे लक्षण गायब हो गए। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो, हम सभी को प्रभु के वचन पर चलना चाहिए। क्या हम अपने बाइबल को खोले लूका उसके अध्याय 24 के 45 में चलते हैं। यहाँ ये अध्याय है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और मुझे लगता है ये अच्छा है। ये अध्याय ऐसा कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। भाइयों, क्या आपको लगता है प्रभु यीशु ने लाइलाज पापियों को या बह गए लोगों से ऐसा किया? ना, यीशु ने ये अपने चेलों के साथ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो चेले थे तो उनको गुरु से सीखना चाहिए था, है ना? हाँ, वो सीखे। 3 वर्ष और 6 महीने वो यीशु के साथ चले और प्रभु यीशु ने पुराने नियम के वचनों को सिखाया। उन्होंने सीखा पर वो समझ नहीं पाए। क्या आपको समझा? और यह हमें एक जरूरी शिक्षा देता है, हम में से जो पासबान है, लोगों के बारे में। यह संभव है कि वो कलीसिया में आते हैं वचन को समझने के लिए और उनको यह पसंद करना और उनके लिए प्रार्थना करना और चमत्कार की अपेक्षा करना, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं समझ पाते। विश्वास एक पागलपन का क्रिया है, बस इतना ही। लेकिन फिर वो लोग इस पागलपन के विश्वास को लेकर कट्टर बन सकते हैं, वो सांसारिक बातों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे पता है ये चलता है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना? हमें इतने सख्त व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ये कुछ अलग है। परमेश्वर का बच्चा कभी बहक नहीं सकता। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही वो करेंगे क्योंकि वो प्रकाशित हुए हैं।
दूसरों के पास ये सुंदर विश्वास हो सकता है और कई बार तो वो हमसे भी ज्यादा समर्पित हो सकते हैं। वो सहकर्मी, वो विश्वासी, वो पासबान। और कई बार ये होता है, विश्वास पागल है। और कई बार हमने बहक कर सोचा उसे कलीसिया का पासबान मान लिया, लेकिन अब भी वो तैयार नहीं है ये करने के लिए। अब वो व्यक्ति सब चेले थे, वो पहले ही दो और दो करके भेज दिए गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो आनंद से लौटे, प्रभु आपके नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उत्तम घोषणा की उन व्यक्तियों के बारे में, लेकिन वो वचन नहीं समझ पाए। जो वचन नहीं समझ सकता वो परीक्षा में नहीं खड़ा हो सकता। जो वचन नहीं समझता है वो उसे बोल भी नहीं सकता है। जो वचन नहीं समझता वो गलतियां करते रहता है। वो परमेश्वर के कार्य में हमेशा अलग उद्देश्य पाएंगे। उन्हें लगता है ईश्वर भक्ति ये कमाने की बात है, और शायद वो आकर्षक व्यक्ति होंगे और वो ये कर सकते हैं जो प्रकाशन पाए हुए लोग भी नहीं कर सकते हैं। यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मे हैं वो शरीर है। ये संभव है कि आप उस शरीर में कई कई सालों तक जिए और आप महान कार्य करते हैं और परमेश्वर के वचन की समझ नहीं हो। यही हुआ चेलों के साथ। क्या आप जानते हैं यीशु ने उन्हें क्या सिखाया? यीशु ने उन्हें मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता के पुस्तक और भजन संहिता के बारे में सिखाया। ये पुराना नियम है। यीशु ने उन्हें खोला और समझाया उन्हें ताकि वो समझ पाए, लेकिन फिर भी वो शिष्य थे, वो गुरु के पीछे चल रहे थे। वो सोए जहां वो सोया। उन्होंने देखा गुरु को आनंद मनाते हुए, उन्होंने गुरु को भागते देखा, उन लोगों को जो मंदिर में खरीद और बेच रहे थे। पागलपन का विश्वास। फिर हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं उस स्तर पर हूं या मैं पहले स्तर पर हूं? प्रभु यीशु का पहला स्पर्श चाहिए। और उस अंधे को यीशु ने जो चंगा किया, यीशु ने अपने हाथ को उस अंधे पर रख दिया और पूछा कि क्या वो कुछ देख सकता है? उसने कहा मैं मनुष्य को पेड़ के समान देखता हूं। ये एक भौतिक वस्तु है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत जरूरत के लिए किया जाता है। जो बहुत सारे कार्यों के लिए उपयोगी है, वो काट कर फर्नीचर भी बनाया जा सकता है और लाभ के लिए। तब यीशु ने फिर उस पर अपना हाथ रखा। अब कैसा लगता है? मैं अब साफ देख सकता हूं। आपको मनुष्यों को एक समान देखना है। जो कुछ आप अपने लिए इच्छा करते हो अपने पड़ोसी के लिए भी करो, चाहे उन्हें चाहिए या नहीं। और मैं प्रयत्न करूंगा वह सब पाने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं। जब मैं ये समझा तब एक नया संसार मुझे दिखाया गया। ये मनुष्य चेले हैं और ये हमेशा मेरा ध्यान आकर्षित करता है। गुरु ने उन्हें सिखाया लेकिन अंदर से उन्हें बदलाव दिखा, और हमें भी ये बदलाव अंदर से चाहिए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये बहुत जरूरी है भाइयों। अब हम अपने बाइबल खोलेंगे, दूसरा पत्री कुरिंथियों का अध्याय 4 और उसका वचन 3 और 4। ये बहुत बातें हैं जो हमें सीखनी है। आज का महान दिन है प्रभु के साथ एक होने का। मैंने सारे संभव बातों को देखा है। मैं वो सारे संदेश आपको देता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। क्या हम पढ़े यहां क्या लिखा है? दूसरा कुरिंथियों 4 का वचन 3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। अब कृपया इस पर ध्यान दे। अब जिसकी भी समझ प्रभु द्वारा नहीं खोली गई, प्रभु परमेश्वर का वचन समझने के लिए वो नाश होंगे। सुसमाचार छुपा है। इन लोगों का विश्वास साधारण है। ये पागल और विवेकी है, ये बुद्धिमान है, और वो इस निर्णय पर गए हैं कि यीशु समाधान है, कि वो चंगा करता है और वो चंगा करेगा, वो छुड़ा सकता है और वो छुड़ाएगा भी। और वो उनके विश्वास को कार्य में ला रहे हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं खोली गई है, और ये बहुत ही गंभीर है। कृपया हम इस वचन को फिर एक बार पढ़ें। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वाले ही के लिए पड़ा है। तो भाइयों, इसीलिए अगर वचन मुझ पर प्रकट नहीं किया गया, और ये सब फिर विचार और तर्क इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं बहक जाता हूं, मेरा अभी उद्धार नहीं हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के लिए या मेरे लिए या आपके लिए या कोई दूसरा व्यक्ति, अगर सुसमाचार आपसे छुपा है, उदाहरण के लिए जब आप नहीं जानते आपको चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, जब आप नहीं जानते समस्याओं का हल कैसे निकाले, या जब आप नहीं जानते कि घर की समस्याओं के साथ क्या करें, जब आप नहीं जानते चीजों के साथ कैसे व्यवहार करें, जब सत्य आपसे छुपा होता है, तब एक मिनट रुके, ऐसा लगता है आप बह गए हैं। अगर आप अनंत काल के लिए अभी चले जाते हो तो आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा।
आपको प्रभु परमेश्वर को तुरंत ढूंढना ही होगा। जब आप सच्चे परमेश्वर को पाओगे तब आप वो करना बंद कर दोगे जो दूसरे करते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये वचन के अनुसार ठीक नहीं है। वचन ऐसा कहता है, आपको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं, आप सच्चे व्यक्ति हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में इनकार नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपका नुकसान ना हो। अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने ये कर दिया और मैं अब बदलाव लाऊंगा। अब जब सुसमाचार छुपाया गया है इसका मतलब आप बह गए, लेकिन संदेश फैलता रहता है। भाइयों, इसका मतलब आप पीछे हट रहे हो। जिनको अंधा किया है ताकि वो विश्वास न करे, जिनको अंधा किया है ताकि वो विश्वास न करे, ये गंभीर बात है भाइयों। इसलिए मेरी समझ बंद है, मेरी आत्मा में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे मन में है। मैं वैसे ही जीता हूं जैसे दूसरे जीते हैं, लेकिन मैं विश्वास को कार्य में नहीं ला रहा। मैं ये विश्वास यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए कुछ भी भलाई नहीं करेगा, क्योंकि आप अंधे हो गए, आपकी समझ बंद हो चुकी है। आप वचन नहीं समझते और आपको वचन समझना है, और यही तो बदलाव लाता है। ये आपको क्षमता देगा उन बातों को धमकाने की जो आपके जीवन पर हमला करने वाले हैं, और जब ऐसा होता है आप शैतान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। प्रभु यीशु के नाम में मैं शैतान के सारे कार्य को निष्फल करता हूं और आज्ञा देता हूं निकल जाने के लिए। क्या आप पागल हैं? यह बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन परमेश्वर और ज्यादा गंभीर है। वो विश्वास योग्य है। जो शब्द मेरे मुंह से आता है वो हाँ 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 ना 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 होना चाहिए, लेकिन मैं अभी हाँ और बाद में ना नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता लोगों से कि यीशु महान है, वो सुंदर है, यीशु बचाते हैं, चंगा करते, क्षमा करते, बदलते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं करेंगे। तो आपको प्रभु के साथ ईमानदार रहना है। आप ये कहे कि आपकी समझ बंद है, अंधा कर दिया, वो जो विश्वास नहीं करते, ताकि मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। शैतान ये नहीं चाहता भाइयों, क्योंकि वो जानता है कि इस क्षण मसीह की महिमा का सुसमाचार का उजियाला आपके आत्मा में चमक रहा है। आप उसके लिए डर का कारण होंगे, क्योंकि आप यीशु के लिए आत्माओं को जीतोगे, जो हमारा उद्देश्य है। यहां हमारे जीवन में और कोई भी उद्देश्य ना रहे, केवल यही कि लोगों को अंधकार से छुड़ाए। जब लोग अंधकार में होते हैं वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में रहते हैं। जो कोई भी पाप में जीता है, चाहे जो भी पाप हो, अगर वो पाप में जी रहे हैं वो अंधकार में है, वो लोगों का न्याय करते हैं और वो गलत तरीके से करते हैं। ना, वो ऐसा नहीं कर सकते भाइयों। सुसमाचार का प्रकाश जो मसीह की महिमा है वो आपके हृदय में चमके। अगर वो चमकेगा तो आप समझ पाओगे कि प्रभु परमेश्वर क्यों चाहता था कि आप यहां रहो, क्योंकि आप प्रभु के सपने हैं। आपके पास प्रभु का उद्देश्य है। जो दूसरी बातें आपने ली और पकड़ा और वो करना चाहते थे, वो सब बेकार था, वो बकवास और कचरा है, वो बिल्कुल भी बेकार है। लेकिन अब आप कह सकते हो, मैं समझ पाता हूं कि मेरे परमेश्वर कौन है और मुझे क्या करना चाहिए, और यही मैं करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और फिर मैं वचन के पीछे चलूंगा और जीवन में सफलता पाऊंगा। और बहुत है यहां पर हमारे लिए, ताकि सुसमाचार का उजियाला जो मसीह की महिमा है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, आप आत्मा में चमकते हुए गहराई से सुसमाचार का उजियाला जो मसीह की महिमा है, परमेश्वर का प्रतिरूप आप पर प्रकट होगा। अब ध्यान से सुन ले इसे। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया, मसीह के सुसमाचार के ज्योति में, उसकी अपनी समानता में। और जब तक वो ज्योति नहीं चमकेगी तो आप प्रभु परमेश्वर के रूप में नहीं हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अभी भी अंधे हो, आप नहीं देख सकते, आप अंधे हो सारी आत्मिक बातों के लिए। याद रखें, साधारण विश्वास से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग पहले से ही शिष्य थे और गुरु से सीख रहे थे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा करते, वो बहुत से कार्य करते। ये जरूरी था कि प्रभु यीशु उनकी समझ को खोलते, और ये परेशानी है जो आप प्रभु के साथ लड़ते हो। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको प्रभु के सामने आना है और तब प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अब हम प्रार्थना करें। पिता, हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु, हम यहां नहीं रहेंगे।
इसलिए हम अपने मार्ग पर हैं अनंत काल के लिए। कुछ हमसे पहले जाएंगे, कुछ जल्दी जाएंगे अपनी जवानी में ही, और वो 90 वर्ष के बूढ़े लगेंगे और कहेंगे ये समय है उनका जाने का। लेकिन शायद वो दादाजी उस जवान के अंतिम संस्कार में पहुंच जाएं। चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं मेरे प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं और सच का इंतजार करते हैं। उनको बदलना होगा। वो मनुष्य यीशु के पीछे हुए, उन्होंने सुना यीशु को मूसा के बारे में बताते हुए जो भविष्यद्वक्ता ने लिखा और जो भजनकार ने लिखा, लेकिन उनकी समझ बंद की है मेरे प्रभु। लेकिन ऐसी समझ जो कि आई है जब प्रभु यीशु ने उनकी समझ को खोला है, और बहुत से लोग अपने आप को उसी स्तर पर पाते हैं। वो बह गए हैं पिता, प्रभु कृपया उनकी समझ को खोले ताकि हम वचन को समझ सके, ताकि वो हमारी आंखों के सामने जीवित रहें। तब हम उनसे सामर्थ्य ले सकते हैं, पवित्रता का सामर्थ्य, पूर्ण बदलाव का, विश्वास योग्यता का, शैतान के ऊपर अधिकार का, बीमारी, दुर्बलता, परीक्षा, लत, झूठ, धोखा, इन सब पर हे पिता हम आपके स्वरूप में बन जाएंगे। मसीह के सुसमाचार का महिमा हम में होगा, हम आपके समान होंगे और ये बदलाव लाएगा। मैं इन लोगों को आशीष दूंगा जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं शैतान के सारे कार्यों को निष्फल करता हूं आपके जीवन से, और मैं कहता हूं दुष्टात्मा इन लोगों को छोड़कर चले जा। मैं तुझे आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, और आमीन। सभा के अंत में हम साथ में प्रार्थना करेंगे फिर एक बार ताकि प्रभु कार्य करे। और अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज का रियल लाइफ ड्रामा सेगमेंट। मैं 18-19 वर्ष की थी और मैं बहुत परेशान व्यक्ति थी। मुझे घबराहट होती हमेशा, मैं शराब और तम्बाकू खाती। तब मैं कलीसिया में जाने लगी और धीरे धीरे मुझे छुटकारा मिल रहा था। जैसे मैं कलीसिया में जाने लगी, मैं अपने पति से वहाँ मिली। ऐसा हुए 14 वर्ष हो चुके हैं जब हम पहली बार मिले थे। तब हमारा विवाह हुआ और दुर्भाग्यवश हमने बहुत बुरे समय में विवाह किया था। उनके पास स्थिर नौकरी नहीं थी, मेरे पास नौकरी थी पर ज्यादा पैसे नहीं कमाती थी, वो काफी नहीं थे। हम छोटे से मकान में रहा करते थे जो उसके रिश्तेदार के घर के पीछे था। जैसे समय बीता हम दूसरे घर में गए जो पहले घर से और बुरा था। हमारे पास सस्ते से सस्ता खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। जैसे मैं कलीसिया जाने लगी, मैं विश्वास करती हूँ एक वर्ष बाद मैंने सुना परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए स्पॉन्सर करूं। मुझे नौकरी मिली लेकिन 2 महीने में मैं निकल गई। और मेरी नौकरी के लिए जब मैं स्पॉन्सर करने लगी तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थी। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का धन्यवाद ये स्पॉन्सरशिप के कारण हुआ। उस भेंट का धन्यवाद जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में उन्नति आई। मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा मतलब मेरा आर्थिक जीवन बदलने लगा जब मैं ये समझने लगी कि भेंट क्या है। क्योंकि मैं कलीसिया जाती और दशमांश देती, मैंने दशमांश देना कभी नहीं बंद किया, लेकिन उस पल मुझे समझ में आया कि भेंट क्या होती है। एक दिन लिफाफा पूरे कलीसिया में फैला रहे थे पास्टर के निवेदन की वजह से, और तब मुझे ये लिफाफा मिला और मैंने प्रभु पर विश्वास किया। मैं चकित हो गई क्योंकि मेरे पास जरिया नहीं था और परमेश्वर ने मेरी भेंट से ज्यादा मुझे आशीष दी। तब मुझे सीखने का मौका मिला, तब मुझे परमेश्वर ने ये घर दिया। ये बहुत सुंदर था मेरी सोच से कहीं ज्यादा। मैं एक स्विंग कंपनी में नौकरी करती थी और हफ्ते के अंत में मैं एक हेयरड्रेसर के तौर पर भी काम करती थी। और फिर वो घर पर काम करने लगी हेयर ड्रेसर के रूप में, ग्राहकों के लिए कार्य करना, उनके घरों पर जाना। और जैसे समय बीतता गया वो अपने सारे ग्राहकों की सेवा गराज में ही करने लगी।
बहुत सारे ग्राहकों को प्रभु ने बढ़ाया मेरे घर के गैराज में और प्रभु ने मुझे आदर दिया। मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैंने सब कुछ अपने आप से सीखा। ये बहुत महत्वपूर्ण था उसके लिए और तब उसने निर्णय लिया एक स्पॉन्सर बनने का। इससे उसके व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में बदलाव आया, व्यापार बढ़ने लगा, बहुत ग्राहक आने लगे और परमेश्वर ने मेरी बहन को आशीष दी और वो मेरे साथ काम करने लगी और फिर हमने ये ब्यूटी पार्लर खोला। हमारे टीम के वहाँ जाने के एक सप्ताह के बाद एंजेलिटा का ब्यूटी पार्लर एक दूसरी जगह पर कायम हुआ। ये देखें वो सारे फोटो जो उसने हमें भेजे हैं। मेरी पत्नी का ब्यूटी पार्लर इतना बढ़ गया कि आज वो मैनिक्योर भी देती है और वहाँ मालिश भी होती है। हर दिन ये बेहतर से बेहतर हो रहा है। आज मुझे मेरे पति और मेरे बेटे के पास सबसे अच्छी जगह है, जैसे परमेश्वर ने बाइबल में कहा, प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि हम कुछ परिश्रमों से गुजरे और आज सब कुछ खरीद सकते हैं। परमेश्वर महान है, यही आज मैंने आपसे कहा। आज मैं 140 स्क्वायर मीटर के घर में रहता हूँ, 3 बेडरूम है वहाँ पर और एक गैराज भी है, मेरे पास कार है और मोटरसाइकिल भी है। और मैं जानती हूँ प्रभु के वचन को जो कहता है प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, ये हम सोच भी नहीं सकते और मैं विश्वास करती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश और संतुष्ट भी हूँ। ये परमेश्वर है, बिना परमेश्वर के आज मैं यहाँ नहीं होती, निश्चय ही मैं आज यहाँ नहीं होती, मेरे पास जो है वो कभी नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद। ओ प्रभु की महिमा हो। एंजेलिटा, आज आप यहाँ स्टेज शो में बताने के लिए कि प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ किया, वो सबके लिए करेगा। निश्चय ही। कितना समय हुआ है जब से ये बदलाव आया है? तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे अब तक ज्यादा आशीष दे चुके हैं। तो बदलाव अभी भी आ रहा जी हाँ, है? जी हाँ। जब आप लोगों ने हमारी फिल्म बनाई आपकी टीम के द्वारा, उसमें एक लड़की थी, मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि बहुत जल्द आप एक और फिल्म बनाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इससे अच्छी जगह होने वाली है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तकरीबन बोटू का है ना, और नाम है एलिगेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये अच्छा है, अब लोग वहाँ जा सकते हैं। और अब अपना समय देने के साथ साथ में आपने दशमांश भी दिया है और आप प्रायोजक बनी, आपने सीखा भेंट देना क्या होता है। हाँ, ये सही है। जब मैंने भेंट के बारे में सीखा तब मैंने जाना कितना जरूरी है ये, लेकिन भेंट अपने पूरे हृदय से देना। और मैं हमेशा लिफाफा रखती थी पास्टर के पास जब मैं दे नहीं सकती थी तब भी, लेकिन प्रभु पर विश्वास किया। जब पहली बार मुझे लिफाफा मिला, पास्टर ने मुझसे जो पैसे मांगे वो मेरे पास नहीं थे और जिस दिन मैं वो लिफाफा लाने वाली थी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे उस लिफाफे में डालने के लिए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे तो वो देंगे। 100 का लिफाफा उनके लिए छोड़ेंगे जो शुरुआत कर रहे हैं ना? हाँ, जरूर। मैं प्रचारकों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दे। बाइबल कहती है वो प्रचारक के बिना कैसे विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई भाई शर्माता है उन्नति के बारे में कहने के लिए, तो भाई आप सुसमाचार देना बंद कर दे। आप लोगों के रास्ते में आते हैं कि वो उन्नति नहीं पाए। अगर आप कंजूस हैं, अगर प्रभु कहता है बहुतायत से भेंट दो और आप नहीं करते, तो आप प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे। आपको प्रभु के वचन को मानना है, आप उससे बहक गए हो। ये आपके लिए कि आप कलीसिया में आना बंद कर दे। आपको आना है ताकि आप परमेश्वर को खोजे, क्योंकि ये क्रिया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब परमेश्वर ने दिया, उसने सबसे उत्तम दिया है। उसने अपना बेटा दिया और उसने उसको दिया ताकि वो मृत्यु सहे। ये बीज के समान है, बीज मरता है लेकिन वो फूट निकलता है और बहुत सारा उत्पादन लाता है और लाखों उद्धार पाते हैं। आप क्या कहेंगे? ये बात विजय की है डॉक्टर स्वारेस। ठीक है, केवल प्रभु आपको आशीष दे। एंजेलिटा, स्थिर और ईमानदार रहे, क्योंकि परमेश्वर ने और बातों की योजना आपके लिए बनाई है। आमीन। मैं उन बातों को पति के लिए भी। यीशु के लिए तालियां हो जाए। भाइयों, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप प्रभु की आवाज सुनेंगे। अगर आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे तो आप नाश हो रहे हैं। ये गंभीर संदेश है। दूसरा कुरिन्थियों 4:3-4, और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का सवाल। डॉक्टर सौरस, कृपया समझाएं वो वचन जो कहता है भविष्यद्वक्ता के अधीन आत्माएं हैं। ये कोई वचन नहीं है बहन, सही वचन कहता है और भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के अधीन है। मेरा मतलब
दुष्टात्मा नहीं, ये उन हर एक के अधीन है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो या ना हो। अब मेरी आत्मा मेरे अधीन है, ये परमेश्वर नहीं जो मुझे कहने के लिए बोलता है, मैं वो कहता हूँ जो मुझे पसंद है। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है और मुझे बुद्धि के साथ संदेश देना है। आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं ताकि मैं सबके लिए मध्यस्थी करूं। पिता, आज आपने हमें एक महान संदेश दिया है, प्रकाशित कर देने वाला। प्रभु, आपको हम जानना चाहते हैं, नहीं तो हम हार जाएंगे उस उद्देश्य में जिसके लिए आपने हमें ये जीवन दिया है। कृपया हमारी मदद करें। अगर हम जानते हैं हमारे पास सामर्थ्य होगा किसी भी प्रकार के धोखे और गलतियों से बचने के लिए, प्रभु मैं अब इन लोगों के साथ प्रार्थना में जुड़ रहा हूं जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इन लोगों की समस्या बहुत गंभीर है जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप इससे बढ़ के हैं और आपके नाम से मैं शैतान को धमकाता हूं। हे शैतान, जो कुछ तेरा है उसे उठा और इसके जीवन से निकल जा, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, और आप कहें आमीन। फेथ शो सभाए दिनांक 26 अगस्त 2016 शाम 6 बजे से 8 बजे तक, दिनांक 27 अगस्त 2016 महिलाओं के लिए विशेष सभा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सामान्य सभा शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 28 अगस्त 2016 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। स्थान, पहली मंजिल 1/3 तिलक नगर, उमंग पैराडाइज के पास, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के निकट, इंदौर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पास्टर विलियम मैनुअल, मोबाइल क्रमांक 9833352245। दिनांक 28 अगस्त 2016 शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक। स्थान, ECI चर्च, रसूलिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इन सभाओं में भाग लीजिए और प्रभु का आशीष पाइए। डॉक्टर R.R. स्वारस के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा लाखों लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप भी विजय जीवन का आनंद उठा सकते हैं, आज ही इन पुस्तकों के सेट का ऑर्डर कीजिए। हमारा पता है ग्रेस ऑफ गॉड, पोस्ट बॉक्स नंबर 2089, हेड पोस्ट ऑफिस कैंटनमेंट, वाराणसी 221002। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें 9389898900 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें faithshowindia@yahoo.com पर। प्रियो, पिछले दिनों जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था, मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर पद आया जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और उसका 15 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रियो, ये प्रतिज्ञा बाइबल में परमेश्वर ने याकूब को की थी जब वो अपने भाई एसाव के डर से दूसरे देश को भाग रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार उसको कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। और अंत में वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने कहे हुए वचन को तेरे जीवन में पूरा ना कर लूँ तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना वो हमें कभी त्यागेंगे। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर हर समय हर पल आपके साथ हैं और वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। बस आपको ज़रूरत है परमेश्वर के वचन पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए और नियमित रूप से प्रभु के साथ चलने की कोशिश कीजिए। प्रियो, जंगल में परमेश्वर का वचन याकूब के पास आता है और वो उससे कहते हैं कि जब तक मैं अपने कहे हुए वचन को तेरे जीवन में पूरा ना कर लूँ मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वही परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ हैं। हमें केवल विश्वास करके परमेश्वर के साथ कदम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रियो, प्रभु में बने रहिए, उनके वचन पर आशा रखिए और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करेंगे। धन्यवाद।